मरने के बाद हिजड़े मातम नहीं मनाते हिजड़े खुशी मनाते तो माई बाप करता है उसका भाई बाप करता है उसका गांव टोला करता है ये थोड़ा ना जो हिजड़ा बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपने परिवार में रह गया तो क्या मर जाएगा तो हिजड़ा आएगा उसको मैटी देने हिजड़ा आएगा कबर में ले जाने चाहे उसको जलाएगा चाहे फूकेगा वो नहीं होता लेकिन हिजड़ों में ये नियम होता है कि कबर में जाते हिजड़े कहीं बाहर से नहीं आते हिजड़े माँ के पेट में से ही आते लेकिन कुछ लोग ऐसे होते भैया बाल बच्चा पैदा करके हिजड़ा जड़ा बन के लूटते खाते तो फिर मेरे घर वालों को पता चला तो वो लोग तो जानते थे कि ऐसा है ऐसा है तो फिर उसके बाद दे दे हम अपना निकल गए जो थे उसके लाइन में चली गए किन्नर होते हैं उनको जो है कि दूसरे किन्नर आते हैं उठाकर लेके चले जाते हैं उसके बाद वहीं पे वो रह जाते हैं तो आप अपने घर पे कैसे रह गए मेरा भी गुरु लेके गया मेरे को ठीक है आता बेका के फुसला ले के लेके गया अपने यहाँ हिजड़ों में मैं पूरा सीख गई रह गई नाचने गाने लगी जैसे एक होता है ना आदमी को लत नशे का लत वैसे मेरे को पूरा सीख के मैं पक्की हो गई पक्की हो गई फिर उसके बाद मेरा गुरु मर गया मर गया तो गुरु मार गया तो फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई तो घर पे आ गई तो अपना घर पे रहती हो नहीं।, नहीं तो फिर अपना मेरा चार छः सात गो चेला है उन लोग को लेके अपना बधाई मांगती हो जा तो उन लोगों को आप जो है कि जाकर मतलब जबरदस्ती लेकर आए हैं या अपने से नहीं कुछ लोग, तो लोग तो अपने घर परिवार से दुखी होकर आए कुछ लोग कोई मजबूरी में कोई भैया हिजड़ा हिजड़े के घर जाता है कोई मजबूरी होता है जी तो यानी कि वो लोग जो है कि कुछ लोग मजबूरी से और कुछ लोग अपने से आए हुए हैं जी तो कैसे आपने समाज में जो है कि आप मैंने सुना है कि आपने दुर्गा पूजा में पूरा पैसा आप नहीं लगा देती हैं गरीबों में कम्बल बांट देती है ये कहाँ से आता है सर जी मैं जजमानों के घर से लेके आती हूँ हु। जजमानों के घर पे लड़की का शादी होता है तो पांच पाकिस्तान गए ना जबरदस्ती छीन लेते हैं जी भाई ये सब हिजड़ा एक तार नहीं होता कोई हिजड़ा होता तो भैया जो ज़बरदस्ती छीनता हम तो यही बोलेंगे अपने जजमान से अपने नागरिक से अपने देशवासियों से कि जो ज़बरदस्ती छीने उसको एक रुपये बधाई ना दो हाँ जो इज्जत से लिया इज्ज़त से बधाई दो बाबू हिजड़ों की भी कदर करो इज्जत से बधाई दो लेकिन आप ये सोचो एक हिजड़ा है उसको तो एक वक्त की रोटी के लिए चाहिए वो को तो उसको तो ये नहीं चाहिए कि हमको इतना दौलत चाहिए वो तो मरेगा तो लेके नहीं जाएगा हिजड़े को तो दो वक्त की रोटी चाहिए तो वो लोग जो होता है वो लोग लूटने खाने वाला हिजड़ा रहता है तो आपने क्यों उनको चैलेंज कर दिया है कि जो है कि आ, जो है हम मैं भी कर सकती हूँ वो काम जी जो उसके अंदर होनर है वो मेरे अंदर भी होनर है कैसे जी होनर क्या कोई पढ़ के नहीं आता सब धरती पे पढ़ता। तो कोई बोलने सीख के नहीं आता पेट में से सब धरती पे स्थित तत्व तो ऐसे मैं भी तो कर लेती हैं। कोई काम इंसान वो है आज के डेट में कि अगर इंसान चाहे तो कौन सा काम नहीं कर सकता सब असंभव भी संभव है रंजना कर दोनों हिलता है भैया यानी कि आप अपने एक घर पे अपने मोहल्ले और जो है कि गांव और भी रहती हूँ और... तो 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 सिंदूर लगाते हैं जी। ऐसा ऐसा जी शौक है पहले तो सिंदूर लगाते गुरु के नाम का तो गुरु मर जाता है तो जैसे एक औरत आदमी में होता है आदमी मरता है तो औरत मांग धो देती है वैसे गुरु मरता है गुरु जब चेला बनाता है तो उसका चिन्हाटी सिंदूर लगाता है तो जब गुरु मर जाएगा तो सिंदूर धो दिया जाता है एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ जो कि मतलब कि बहुत कम लोग बताते हैं आप साथ बताएंगे कि नहीं बताएंगे आप लोग मर मर जाते हैं उसके बाद फिर क्या होता है जी हम लोग कबर में पड़ते हैं ना की जलाये जाते तो कहा आप लोगों का कबर तो कहीं दिखाई नहीं देता कबर देखो भाई कोई हिजड़ा होता है तो अपने लिए जमीन खरीद के चाहे बना के चाहे दान में पा के कबर छोड़ के जाता है कि मैं मारू तो इसमें जाओ कुछ लोग होते हैं तो अपने घर में ही दफन कर दिए जाते और कुछ लोग होते हैं तो कब्रिस्तान में जाते हैं क्योंकि हम लोग जलाए नहीं जाते क्योंकि हम लोग बचपन से लेके जब तक मरते नहीं तब तक हम लोग की शरीर दुखी रहती है तो मरने के बाद भी शरीर का तहस नहस हो इसलिए हिजड़े मरने के बाद हिजड़े मातम नहीं मनाते हिजड़े खुशी मनाते हैं। आ आप नहीं नहीं। कि, हाँ है। नहीं। नहीं। नहीं कि अगला का इस जिंदगी से तो आपने अपना जो है कि कहा पे मतलब इधर ही आस में खरीदा है जमीन या कहीं पे और जी मैं तो जमीन खरीदी तीन गाड़ी खरीदी सब कुछ बना चुकी हूँ अपने लाइफ में लेकिन अब मुझे हाँ हमें संस्कार की नहीं मेरे को कोई कचरा में भी फेंक दे तो मुझे सबूर है मुझे जजमान मेरा बस जिंदा रहे मैं मैं तो भैया बनाई मेरे तो सब बनाई गाड़ी बनाई घर बनाई जमीन बनाई सब बनाई लेकिन बनाना नहीं चाहती है मुझे बनाना नहीं है क्योंकि अभी मारेंगे लेने के लिए पचास जड़े आएंगे नहीं, वो नहीं मैं करा जैसे कि आप अपने लिए मतलब कहीं जमीन छोड़िए मुझे मेरा जनता इतना आगे है कि मेरा जनता मुझे ले जाएगा मुझे हिजड़ों की क्या फिक्र हिजड़े अगर वक्त पे है तो ठीक ठीक नहीं हिजड़े है तो मैं अपने माँ बाप के हमारी तो मेरा दुनियादार ले जाएगा या, मेरा माँ बाप ले अभी सुनने में आता है है कि कि आप अपने जो है कि अपने जो लाश को दु, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं छूने देते हैं लोग जो है सिर्फ हिजड़े होता है भैया कि अगला फिर जिंदगी ऐसा ना आए लेकिन क्या होता है कि लाश छूने से बड़ी बात नहीं होती हम लोग में क्या है जो हिजड़ा अपने परिवार में कोई नहीं हिजड़ा जानता अपने परिवार मर जाता तो क्या उसका हिजड़ा कर्म क्रिया थोड़ा ना करता उसका, माई करता उसका बाप करता है उसका उसका भाई बाप करता करता है है गांव टोला ना जो हिजड़ा बचपन से बुढ़ापे तक अपने परिवार में रह गया तो क्या तो मर जाएगा तो हिजड़ा आएगा उसको मैटी देने हिजड़ा आएगा कबर में ले जाने चाहे उसको जलाएगा चाहे फूकेगा वो नहीं होता लेकिन हिजड़ों में ये नियम होता है कि कबर में जाते जी तो चलिए साथियों जो है कि हमने उन सवालों को रखा है और दूसरी चीज़ कि मैं सब कुछ बनाई हूँ लेकिन रहती हूँ झोपड़ी में मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ लेकिन मैं रहती हूँ झोपड़ी में मेरा घर है द्वार है खेत है भा... खेत है चालीस बीघा घर है तीन तीन गाड़ी मेरी है तो से वो नहीं, नहीं। मैं तो ये बोलती वो मेरा नहीं बना है वो मेरे माँ बाप का है लेकिन हम अपने कमाई से गाड़ी बनाए घर बनाए सब बनाए लेकिन भैया मुझे घर की फिक्र नहीं मैं तो एक झोपड़ी में रहती हूँ अगर जजमान बोलेगा अगला कमेंट करेगा तो मैं अपना झोपड़ी को भी दिखाऊंगी झोपड़ी में रहती जानवरों के बीच में रहती हूँ चलिए साथियों जो है कि हमने उन सवालों को रखा है जो कि आप जानना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और कैसा लगा आखिरकार आपको इस वीडियो से जानकारी मिली कि नहीं अब बताइएगा बहुत बहुत धन्यवाद